नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 12 के कल यानी 20 नवंबर 2020 शुक्रवार के एपिसोड की शुरुआत निशा राम के साथ हुई। निशा ने बेहद समझदारी के साथ एक के बाद एक सवालों का सही जवाब दिया। दिल्ली की रहने वाली निशा पेशे से एक फैशन डिजाइनर है और अमिताभ ने भी उनके हुनर की तारीफ की। निशा ने 6,40,000 रुपये जीते। इसके बाद उनसे 12,50,000 रुपये के लिए सवाल पूछा गया। हालांकि इस सवालों में निशा उलझ गई और सही जवाब की जानकारी न होने के कारण उन्होंने शो क्विट करने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं इस सवाल का जवाब? 12,50,000 रुपये के लिए ये था सवाल। 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? गदर पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। इस सवाल का सही जवाब है स्वराज पार्टी। निशा ने शो में कहा कि वह शो से जीती गई धनराशि का इस्तेमाल अपने बिजनेस में लगाएंगी ताकि वह कोरोना काल में कारागिरों के लिए कुछ कर सके और लोगों को रोजगार दे सके। निशा के इस फैसले की तारीफ करते हुए अमिताभ बच्चन ने शो के दौरान कहा कि वह यह खेल अपने कारीगरों के लिए खेली है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।